दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। अरे मेरा अंडा कितना सुंदर है, अब तो बस जल्दी से इसमें से चूजा निकल आए। पर अभी तो चूजा निकलने में थोड़ा टाइम बाकी है। मैं ऐसा करती हूँ कि जंगल से जाकर दाना ले आती हूँ और अंडों को पत्तों के अंदर छुपा देती हूँ ताकि मेरे अंडे पर किसी शिकारी की नजर न पड़े। टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों के अंदर छुपाकर जंगल से दाना लेने चली जाती है। तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है और टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। अरे ये घोंसला तो खाली है, इसमें ना तो किसी चिड़िया का बच्चा है और ना ही अंडा है। लगता है आज मुझे सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये पत्तों के अंदर तो अंडा पड़ा हुआ है। ये पक्षी कितने शातिर हो गए हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा शातिर नहीं हो सकते। अब मैं इस अंडे को उठाकर ले जाती हूँ और आमलेट बनाकर खाऊंगी। तभी वो चील टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर ले जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया वापिस आई तो उसने देखा कि उसका अंडा वहाँ पर नहीं था। हाय रे, मेरा अंडा कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था। मेरे अंडे को कौन ले गया, वो खुद तो चलकर नहीं जा सकता, जरूर उसे कोई उठाकर ले गया होगा। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों से पता करती हूँ। तभी टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों से पता करने के लिए चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से आ रही हो? कौवे भैया गजब हो गया है गजब। अरे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? कौवे भैया मैं जंगल से दाना लेने गई थी और जाते हुए मैं अपने अंडों को पत्तों के अंदर छुपा कर गई थी, लेकिन जब मैं वापिस आई तो मेरा अंडा वहाँ पर नहीं था। पता नहीं मेरे अंडे को कौन उठा कर ले गया। क्या आपको मेरे अंडे के बारे में मालूम है? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, परंतु टूनी चिड़िया मैंने किसी भी पक्षी को तुम्हारा अंडा ले जाते नहीं देखा। तुम किसी और पक्षी से जाकर बात करो, शायद किसी और ने देखा हो। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो? कबूतर भैया मैं जंगल से दाना लेने गई थी तो पीछे से कोई शिकारी मेरा अंडा उठाकर ले गया। अब मैं अपने अंडे को तलाश कर रही हूँ। क्या आपने किसी शिकारी को मेरा अंडा लेकर जाते हुए देखा है? नहीं टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे तुम्हारे अंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम किसी और पक्षी से जाकर पता करो। टूनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो वहाँ पर एक मछली आ गई। टूनी आंटी मैंने एक चील को अंडा लेकर जाते देखा है, शायद वो आपका ही अंडा था। आप फौरन उस चील के पास जाएं, आपको आपका अंडा वहीं मिलेगा। तभी टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को लेकर चील के घर की तरफ चली जाती है। चील इतने सारे पक्षियों को देखकर डर जाती है और उन सभी पक्षियों ने डंडे भी पकड़ रखे थे। अरे दुष्ट चील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अंडा उठाकर लाने की? अरे टूनी बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा अंडा खाने के लिए नहीं लेकर आई। जब मैंने देखा कि तुम अपने घोंसले में नहीं थी और तुम्हारा अंडा वहाँ पर पड़ा था, तो इसलिए मैं तुम्हारा अंडा उठाकर ले आई ताकि इसे कोई शिकारी न उठाकर ले जा सके। अच्छा तो ये बात है, रुको एक मिनट। तभी टूनी चिड़िया और दूसरे पक्षी मिलकर उस चील की खूब पिटाई करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए।